Assalamualaikum dear students, today we will study the thermal properties of solids and Einstein model. So thermal properties of solids mein hamare paas aa jati hai specific heat capacity. So specific heat capacity mein sabse pehle agar hum start karte hain to हमारे हमने स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में ये बात पढ़ी है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है विच वी डिनोट बाय सी वी इज़ इक्वल टू 3/2 के बी वेयर के बी is equals to Boltzmann constant and it has some specific value, you know that. So in 1819 it was started to be write as 3 kb per atom or c is equals to 3 r which was denoted as known as Dulong Petit law. And R we know is ideal gas constant, where R equals to ideal gas constant. So it was not always correct. Frequently ये values देता था जो कि बहुत करीब होती थी, लेकिन ये बिल्कुल exact values नहीं दे रहा था. In 1896, Boltzmann constructed a model. Boltzmann ने एक model construct किया, which was fairly good. In his model, each atom is solid is bound to neighboring atom. इस atom को उसने इस तरह लिया कि atom model के अंदर atoms लिए. और वो बोल्ट्समैन में मॉडल एटम उसने इस तरह चेन में लिए और उसने कहा कि दे आर बाउंडेड विद ईच अदर, देयर इज सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम एंड दे आर बाउंडेड विद ईच अदर. फोकसिंग ऑन अ सिंगुलर पर्टिकुलर एटम, एक पर्टिकुलर एटम, फॉर एग्जांपल ही इज फोकसिंग ऑन दिस एटम एंड यू नो एटम इज द बेसिक पार्टिकल ऑन विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इज कंसिस्टिंग. फॉर एग्जांपल अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो एटम का आप 10^-9 आप उसको जाके देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. वो जो एक एटम की प्रॉपर्टी होती है वो होल ऑफ दैट मैटर की प्रॉपर्टी होती है. सो उसने उस एटम की प्रॉपर्टीज़ जानने की कोशिश की, ही स्टार्टेड टू एग्जामिन दैट प्रॉपर्टीज़ और उसने कहा कि ये जो उनसे एटम्स हैं दे आर हार्मोनिकली ऑसिलेटिंग. सो इन सच अ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिकल मॉडल उसने इनको क्लासिकल लिया, इसको क्लासिकल लिया उस और फिर उसने हीट कैपेसिटी निकाली जो कि 3 kb पर एटम आया, 3 kb पर एटम निकली, विच वी डिस्कस्ड अर्लियर इज नॉट दैट गुड. क्योंकि कभी ये रिजल्ट ठीक देती है, कुछ टेम्परेचर्स पे हीट कैपेसिटी सही आती है, एट सर्टेन टेम्परेचर इट डज नॉट सेटिस्फाई. हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वैल्यू समथिंग एल्स आ जाती हैं, कुछ और आ जाती हैं. सो इसके बाद जो उनसे
1907 के अंदर आवर हीरो कम्स, हु वाज आइंस्टाइन। सो आइंस्टाइन ने क्या किया, वॉन्डरिंग अबाउट वाई लॉ डज नॉट होल्ड एट लो टेम्परेचर। बोल्ट्समैन मॉडल के अंदर 3 kB, दिस 3 kB डज नॉट होल्ड एट लो टेम्परेचर। इट डज नॉट टेल्स द बिहेवियर ऑफ अ डायमंड। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ये सी है हीट कैपेसिटी, उसको डायमंड की हीट कैपेसिटी को ये मॉडल बोल्ट्समैन मॉडल कैन नॉट डिस्क्राइब, कैन नॉट टेल अस वाई दिस हीट कैपेसिटी सी इज वेरी लो फॉर द डायमंड एंड वाई इट डेविएट्स, वाई बोल्ट्जमैन मॉडल और डुलोंग पेटिट लॉ डेविएट्स एट लो टेम्परेचर। सो आइंस्टाइन ट्राई टू टेल अस वाई ऑल दिस थिंग्स हैपन। सो आइंस्टाइन स्टार्टेड टू एज्यूम समथिंग। आइंस्टाइन जस्ट लाइक बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन की तरह आइंस्टाइन ने भी क्या किया कि एटम्स लिए, एटम बाउंड्स एटम्स लिए, और उसने भी ये कहा कि ये एटम्स क्या हैं, हार्मोनिकली ऑसिलेटिंग, दे आर ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली। और आपने पढ़ा है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर डिफरेंस क्या था दोनों में, दोनों में डिफरेंस ये था कि इसने क्लासिकली इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की एंड आइंस्टाइन वेंट टूवर्ड क्वांटम, और आइंस्टाइन ने क्वांटम की तरफ गया और आइंस्टाइन ने बताया कि इनर्जी, वी गिव द इनर्जी फॉर एन ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। यू हैव अर्ली स्टडीड दिस, आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा आता है, ये क्वांटम वन में आपने इस बात को पढ़ा हुआ है। सो वी मूव ऑन टूवर्ड आइंस्टाइन मॉडल, कि आइंस्टाइन मॉडल होती क्या चीज़ है। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव सॉट इज आइंस्टाइन मॉडल, आइंस्टाइन मॉडल, आइंस्टाइन मॉडल। सो इन आइंस्टाइन मॉडल, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि ई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। डिफरेंस बिटवीन दीज एनर्जीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफरेंस लेते हैं एनर्जीज के लिए, एन नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास, डिस्क्रीट एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू एन नंबर। सो इनके दो दरमियान डिफरेंस आएगा ना, वो क्या होगा, एच कट ओमेगा। डिफरेंस बिटवीन दी एनर्जीज वो क्या होगा, एच कट ओमेगा होगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है इसकी, एवरेज एनर्जी कह लें आप इसको, एनर्जी कह लें। तो ये हमने क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हम एनर्जी से क्या निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी हम निकालते हैं एनर्जी से। सो इसका फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू जीरो इन्फिनिटी टोटल एनर्जी इंटू ई पावर माइनस बीटा ई एन।
दिस वन, दिस एनर्जी इज रिटन इन दिस पावर एंड एन टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा ई एन. इन डिनोमिनेटर ई एन इज नॉट इन द कोफिशियंट. सो ई एन हम ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं, ई एन को हमने बता दिया ऊपर क्या ई एन की वैल्यू है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा. सो अब हमने इसको क्या करना है, हमने वैल्यूज डालनी है. सो यू विल बी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा ई पावर माइनस बीटा. आई फॉरगॉट टू टेल यू व्हाट बीटा इज, बीटा इज इक्वल्स टू वन ओवर के बी टी. के बी इज अ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. बीटा ई एन इज इक्वल्स टू हाफ एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा एंड इन डिनोमिनेटर. N equals to 0 to infinity, N equals to 0 to infinity, e power minus beta, N plus half h cut omega. So we have write this, ये basical, जो सा आपके पास basic एक formula होता है average energy का, वहाँ से हमने क्या निकाली है इसकी वैल्यू. सो नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस होल फैक्टर हेयर. सो बाय मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर वी विल गेट u इक्वल्स टू n इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी n एच कट ओमेगा ओवर E. और अगर इस बीटा को भी हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस बीटा एन एच कट ओमेगा और फिर डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस बीटा एन एच कट ओमेगा एंड वी गेट अनदर वैल्यू. अगर हम इसको कर लें प्लस हाफ एच का टू मेगा, फिर उसको ई के कोफिशेंट में दोनों को अलग अलग करके लिखें, फिर उसकी हम कटिंग कर लेंगे अलग से, फिर वो उसकी जो अलग से कटिंग होगी वो ई ई अलग अलग कट जाएंगे एंड द फाइनल थिंग वी विल हैव इज प्लस हाफ एच कट ओमेगा दिस वन टू दैट. इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो को जो उनसे अलग अलग लिखेंगे, इसके नीचे भी एक दफ़ा अलग से लिखेंगे, एक दफ़ा इसकी वैल्यूज के साथ अलग से लिखेंगे, इसकी वैल्यू के साथ कट जाएगा, इसके साथ रहेगा और जिसके साथ कटा है वो यहाँ आ गया और जिसके साथ नहीं कटा वो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है विद समीशन इन्फिनिटी. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस फैक्टर numerator and the denominator. So for below factor, पहले हम नीचे वाला factor find करते हैं, या एक और अगर हम इसके step कर लें तो u will be equals to, अगर h cut हम common ले लें तो h cut omega common ले लें तो n equals to 0 to infinity e power minus beta n h cut omega and h cut omega common chala gaya to n e power minus beta h cut omega plus half h cut omega. इसको हमने जब common ले लिया और अब हमने find करनी है ये वैल्यू और ये वैल्यू,
पहले हम नीचे वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं एज इट इज़ एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस बीटा एन एच कट ओमेगा। इसको हमने लिख लिया, तो सॉल्व दिस, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये बराबर है इन्फिनिटी एन इक्वल टू ज़ीरो ई पावर माइनस अल्फा एन के। ये जो एच कट ओमेगा और बीटा है, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है? अल्फा के। अल्फा इज इक्वल टू बीटा एच कट ओमेगा के। तो हमें पता है कि किसके बराबर आ जाएगा ये वाली वैल्यू एन इक्वल टू ज़ीरो। फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, माइनस अल्फा एन इज इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन वन ओवर वन माइनस एक्स। अगर इसको हम एक्स ले लें और इसकी पावर एन हो, जिस तरह यहाँ पे एक्स एज एन ई है तो उसकी पावर एन है, तो हमारे पास क्या आता है? वन माइनस एक्स आ जाता है। ये एक हमारे पास क्या है? फार्मूला है। सिमिलरली इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वन ओवर वन माइनस ई की पावर माइनस अल्फा। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया? ये वाली वैल्यू एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस अल्फा एन, इसके बराबर आ गई है। सो नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो अल्फा की वैल्यू डाल दें, वन माइनस ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। ये हमारे पास दिस वन इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या करना है? हमने डिनोमिनेटर तो फाइंड कर दिया, अब हमने फाइंड करना है न्यूमिरेटर। अब न्यूमिरेटर फाइंड करने के लिए हमें इसी को हम क्या करेंगे? अल्फा से डिफरेंशिएट कर देंगे, हम इसको अल्फा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको अल्फा से डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ई अल्फा एन, दिस इज अ लेंथी टॉपिक लेकिन मज़े का टॉपिक है ये। वन ओवर वन माइनस ई पावर माइनस अल्फा, इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, आप करके देख लीजिएगा, इट विल बी अ लिटिल बिट लेंथी। वो मैं आपको डायरेक्ट जल्दी से कर देता हूँ, वो आ जाता है माइनस एन एन इक्वल्स टू ज़ीरो इन्फिनिटी ई पावर माइनस अल्फा एन विल बी इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस अल्फा इंटू माइनस वन ओवर वन माइनस ई माइनस अल्फा स्क्वेयर। दिस माइनस विल बी कैंसल्ड बाय दिस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू ज़ीरो इन्फिनिटी एन टू ई पावर माइनस अल्फा एन विल बी इक्वल्स टू ई पावर माइनस अल्फा अब वन माइनस ई माइनस अल्फा स्क्वेयर। ये इसके बराबर आ गया एंड एन इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा ओवर वन माइनस ई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह हमने बीटा एच कट ओमेगा स्क्वायर ये लिखना है। सो ये इक्वेशन हमारे पास फॉर एग्जांपल वन की है, ये इक्वेशन नंबर टू होगी।
अब इक्वेशन नंबर टू और वन हमने कहाँ पुट करनी है? इस वाली एवरेज एनर्जी वाली इक्वेशन नंबर ए में, इस वैल्यू में हमने पुट कर देनी है। सो पुटिंग इक्वेशन वन एंड टू इन ए, ये जब हम ए में पुट कर देंगे तो ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आएगी, यू विल बी इक्वल्स टू ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा ओवर वन माइनस ई माइनस बीटा एच कट ओमेगा स्क्वेयर। अब साथ वाले को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को हमने क्या कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। अब ये दो सेम है, ये कट जाएगा और ये स्क्वेयर कटेगा, और इसके साथ और भी एक चीज़ थी, प्लस हाफ इंटू एच कट ओमेगा। अब हमने करना क्या है कि हमने यहाँ से ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, नीचे से ई पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। माइनस बीटा एच कट ओमेगा को जब हम कॉमन लेंगे तो इसके नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, जब इसके नीचे डिवाइड होगा ये नेगेटिव पावर के साथ है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पावर के साथ आ जाएगा। बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन माइनस वन, ये इसके साथ कट जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस हाफ इंटू एच कट ओमेगा। अब ये टोटल अगर आप लिख लें तो इसको क्या होगा, वन ओवर ई बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन, यानी कि हमने सारी चीज़ प्रूव कर ली है, हम अब करीब पहुंच चुके हैं अपने रिजल्ट के, एच कट ओमेगा क्यू। अब यू हमारे पास इसके बराबर आ गया, तो अब जब यू इसके बराबर आया तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, यू इक्वल्स टू एन बी प्लस हाफ इंटू एच कट ओमेगा। तो अब यहाँ पे एन बी क्या है, बोस फैक्टर है, एन बी इक्वल्स टू बोस फैक्टर, और इसकी वैल्यू क्या है, एन बी इक्वल्स टू वन ओवर ई पावर बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन। सही, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। हमने ये बात तो फाइंड कर ली, ये हमारा यहाँ तक आइंस्टाइन मॉडल की हमने एनर्जी फाइंड कर ली, आइंस्टाइन मॉडल में एनर्जी ये हमने निकाल ली। अब हमने फाइंड करनी है हीट कैपेसिटी फॉर द एटम, हीट कैपेसिटी फॉर दैट द एटम। अब हीट कैपेसिटी हमें पता है किसके बराबर होती है, सी इज इक्वल्स टू पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, वी कैन से पार्शियल यू बाय पार्शियल टी। सो फॉर दैट वी हैव टू, हमें इस यू का, ये जो यू है इसको टी की रिस्पेक्ट से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है
पहले हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो एन बी वैल्यू दिस वे देखिए, अगर आप इसको यू को यू लिखें ना, यू इज इक्वल्स टू एन बी एच कट ओमेगा प्लस हाफ ऑफ एच कट ओमेगा, ये तो कांस्टेंट फैक्टर आ गया, एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। जब इसको आप टी की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये कांस्टेंट ये ज़ीरो हो जाएगा। हमने असल में डिफरेंशिएट किसको करना है, इसको करना है। सो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ एच कट ओमेगा इज कांस्टेंट, वी विल टेक इट आउट एंड पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ एन बी। एन बी हमारे पास क्या था, वन ओवर ई पावर बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन पार्शियल बाय पार्शियल टी। अब बीटा की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी, बीटा की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ के बी टी। इस टी की वजह से ये क्या होता है, डिफरेंशिएट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये इस तरह डिफरेंशिएशन इसकी होगी कि पार्शियल बाय पार्शियल टी, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ अगर तो ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी माइनस वन पावर माइनस वन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो इसकी पावर एक स्टार्ट में एच कट ओमेगा ओवर के बी टी माइनस वन पावर माइनस टू, फिर इसको क्या करेंगे हम एक दफ़ा साथ उस तरह लिख लेंगे एच कट ओमेगा ओवर के बी टी और पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ पावर का एच कट ओमेगा ओवर के बी टी। सो दिस विल मेक माइनस टी स्क्वेयर हेयर एंड एक्चुअल रिजल्ट वी विल हैव एच कट ओमेगा, हियर वी हैव अनदर एच कट ओमेगा एच कट ओमेगा हेयर एच कट ओमेगा हेयर अनदर एच कट ओमेगा हेयर एंड दिस एच कट ओमेगा एंड दिस एच कट ओमेगा दे विल मेक स्क्वेयर ऑफ एच कट ओमेगा एंड पार्शियल बाय पार्शियल टी ई पावर बीटा एच बीटा, नाउ आई विल राइट बीटा अगेन, बीटा एच कट ओमेगा ओवर के टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर कम्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड ई पावर माइनस प्लस बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन होल स्क्वेयर। So here we have this value